ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आइए देखते हैं बाराबंकी से आ रही एक सनसनी खबर। मुठभेड़ में मारा गया इनामी बदमाश, 1 लाख का इनामी बदमाश टिंकू का पाला मारा गया। बीते कई सालों से टिंकू का पाला उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था। दिन दहाड़े ज्वेलरी स्वरूप लूट जैसी तमाम वारदातों को दे चुका था अंजाम। उत्तर प्रदेश SDF ने 1 लाख का इनामी टिंकू कपाला को मार गिराया। टिंकू कपाला के खिलाफ उत्तर प्रदेश में 27 मामले दर्ज होने के साथ साथ ही महाराष्ट्र व गुजरात में भी लूट व कत्ल के मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट रविंद्र कुमार मिश्र, ब्यूरो प्राइम न्यूज 24, बाराबंकी। CF की टीम को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश किसी ये बाराबंकी क्षेत्र में है। इस सूचना को विकसित करते हुए STF टीम इनके पीछे, बदमाशों के पीछे लगी हुई थी। लगभग 11:15 बजे SCF टीम प्रभारी ने मुझे सूचित किया कि सत्रिक रोड पर एक एनकाउंटर हो गया है जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है। तत्काल स्थानीय अधिकारी पहुंचे, मैं स्वयं वहां मौके पर पहुंचा। घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजा गया, यहां ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया है डॉक्टर ने। इसके संबंध में SCF को जो जानकारी है उसके हिसाब से ये टिंकू का पाला एलियास कमल किशोर है, जिसकी उम्र लगभग 42 साल और ये चौक का रहने वाला है। इसके खिलाफ लगभग 27 मुकदमे पंजीकृत हैं, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि महाराष्ट्र और गुजरात में भी। अधिकांश मुकदमे लूट से संबंधित हैं, लूट के साथ हत्या के मुकदमे हैं। इसकी अभी हाल की एक लोमहर्षक घटना 2019 में RK ज्वेलर्स कृष्णानगर की दुकान पर हुई थी पिछले साल, जिसमें 2 लोग मारे गए थे और बड़ी संपत्ति की लूट हुई थी, उसका ये मुख्य अभियुक्त था। इसके आपराधिक इतिहास और स्थानीय पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर इस पर 1 लाख रुपये का इनाम घोषित था। आज STF के साथ हुए एनकाउंटर में ये मारा गया है। मौके पर जैसा STF टीम ने बताया कि ये मोटरसाइकिल पर सवार था, इसके साथ एक आदमी और था, जिसकी तलाश के लिए 5 थानों की फोर्स और अन्य पुलिस बल इस समय मौके पर कॉम्बिंग कर रहा है और हमें विश्वास है कि हम उसको गिरफ्तार कर सकेंगे।